कक्षा 7 बच्चों आज हम आपको हिंदी में व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण में विलोम के विषय में जानते हैं। विलोम से आप क्या समझते हैं? विलोम एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले को विलोम या विपरीत अर्थ कहते हैं। फिर से देखो परिभाषा, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विजय का विलोम हुआ पराजय, जबकि जीत का हार। इसी प्रकार स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। अब विलोम के कुछ शब्द हैं, इनको देखिए। सबल, सबल का विलोम क्या होगा? दुर्बल। सभ्य का असभ्य, योग्य का अयोग्य। पाप का विलोम क्या होगा? पूर्ण। दुर्जन का सज्जन, दोष का गुण। सदाचारी दुराचारी, उचित अनुचित। सजल निर्जल, सगुण निर्गुण। तीव्र का मंद, उपकार का अपकार, चल का अचल। अब पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची शब्द जो शब्द एक दूसरे के लगभग समान अर्थ होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए, जो शब्द एक दूसरे के लगभग समान अर्थ बतलाते हों उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे आकाश को गगन, नभ, व्योम, आसमान तथा अंबर भी कहते हैं। ये सभी शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं। अब कुछ और शब्द देखिए। अमृत, अमृत का पर्यायवाची पीयूष, सुधा, सोमरस, अमी, सुरभो। अहंकार का गर्व, घमंड, दंभ, अभिमान, दर्प, अहम। आचरण अचंभा, आश्चर्य, विस्मय, कौतुक। इंद्र का देवेश, सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, देवाधिपति, कमल। राजीव, नीरज, सरोज, सजल। घर का ग्रह, सदन, निकेतन, गेय। अब बच्चों इन सब विलोम शब्द, अब पर्यायवाची के कुछ शब्द हम नोट किए हैं, इसको आप स्वयं नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।